जालौन जिले के जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन नगर क्षेत्र में विगत 3 जुलाई को एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को भगा ले गया था और इस प्रकरण को लेकर लगातार हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था और शीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा लड़की की सकुशल बरामदगी की मांग की थी। आज जिला प्रशासन द्वारा अभियुक्त अकरम सिद्दीकी पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया तथा इस घटनाक्रम में सहयोग करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा शेष विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है। जालौन कोतवाली में 4 जुलाई 2024 को मुकदमा अपराध संख्या 206/24 धारा 87 BNS में पंजीकृत हुआ था। इसमें आज हमें 2 अभियुक्तों की को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन दोनों अभियुक्तों का नाम है मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल वाहिद, दूसरा जिशान पुत्र निशार। ये उसी उपरोक्त मुकदमे में 61 BNS के अंतर्गत दोषी हैं। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जालौन से देवेश कुमार की रिपोर्ट।